हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एक बात सुनिए, जो आपके आंख को दिखता है वो सारे सच नहीं होते। कि ठीक है, गलत है, आप बताइए। हमारे आंख जो दिखता है वो सारे सच नहीं होते हैं। फिर क्या सच होते हैं? जो हमारा भीतर का, यानी जो समझ बुझ से जो दिखता है, हमारा हृदय जो दिखता है, हमारा आत्मा जो दिखता है, जो समझता है, दैट इज ट्रू। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप जब देखते हो सूरज को और पृथ्वी को, आपको कौन सा बड़ा लगता है? पृथ्वी बड़ा लगता है, सूरज छोटा लगता है। लेकिन एक्चुअली बड़ा कौन है? सूरज बड़ा है, द सन इज लार्ज। सो हर आंख देखी बात सच नहीं होती है ना। वैसे ही पढ़ाई में आप जो देखते हो उसमें भी, देखने में भी सारा सच नहीं हो सकता है ना। तो ये आप ध्यान रखिए, क्या सच है और क्या गलत है। अगर आप उसको परख लिया तब आप देखना आपका अच्छा नंबर आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसी बात से हम शुरू करते हैं आज का जो क्लास, दैट इज वन सेगमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आटम। और उसमें हमने अभी डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है ना, ये एटॉमिक मॉडल्स क्या है? एटॉमिक मॉडल ये है, जब पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, कौन किए थे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर? जे.जे. थॉमसन। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया तो उन्होंने सोचा, इफ द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन एटम, हाउ दे आर अरेंज, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, if there is electron, some positive charges must be there which is equal to the charges of the electron, नहीं तो atom neutral नहीं हो सकता है। तो ये confirm हो गए, electron जितने charge के होंगे positive charge उतने ही होंगे। तो how they are arranged, first this concept born in his mind, he was J.J. Thomson। ठीक है, तो उन्होंने पहले एक model लिखा, जे.जे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल, विच वॉज लेटरली नोन, जिसको बाद में जे.जे. थॉमसन के नाम से जाना गया। ठीक है ना, व्हाट इज दैट जे.जे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल? ठीक है, जे.जे. थॉमसन मॉडल क्या है इसका? उन्होंने बोला एटम इज ए स्फीयर, एटम इज ए स्फीयर इन व्हिच positive charge are arranged uniformly throughout। उन्होंने कहा एटम एक स्फीयर है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे, और इसके अंदर द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड टू इट इन सच ए मैनर टू गिव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू द एटम। समझ गए क्या उन्होंने बोला? एटम इज लाइक ए स्फीयर इन व्हिच द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर अरेंज्ड यूनिफॉर्मली थ्रूआउट। इसके अंदर बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज क्या है? अरेंज होकर रखा हुआ है यूनिफॉर्मली। और क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट इन सच ए मैनर टू गिव मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू द एटम। समझ गए आप? उन्होंने बोला ये बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज्ड अरेंज हुआ, इसके अंदर इनफिनिटी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेड हुए। कैसे एम्बेड हुए? जैसे कि एटम बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, यानी एटम बिल्कुल स्टेबल स्टेट में ही रहेगा। समझ गए आप?
बच्चों, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ ये इनका डिस्कार्ड हो गया। इसको भी बच्चे बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, आप इसको याद रखिए, प्लम पुडिंग मॉडल इसको भी कहते हैं। रेजिना इन पुडिंग मॉडल इसको भी कहते हैं, आप इसको प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे आपने वाटरमेलन देखा हो, वाटरमेलन में जो उसका बीज जैसे बिखरता है इधर उधर, वो बीज हो गया इलेक्ट्रॉन, और जो लाल सा जो उसका दैट इज जो मेन चीज है वो क्या होता है, प्रोटॉन, आप यानी पॉजिटिव चार्ज, समझिए। तो ये था जीजे थॉमसन मॉडल और टी टी डिस्कार्डेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। तो जब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो गया ये बिल्कुल गलत हो गया, इसको फिर कैंसिल हो गया, तो हम उसको मिटाते हैं। अभी दूसरा जो आया मॉडल उसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच गेव ए न्यू डायरेक्शन इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर इन मॉडर्न साइंस और मॉडर्न एटॉमिक साइंस। नो, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है बच्चों। अभी हमने जेजे थॉमसन मॉडल को देखा, जेजे थॉमसन मॉडल भी फेल हो गया क्योंकि इट वाज नॉट कोरिलेटिंग विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ ये एग्री नहीं हुआ। तो उसके बाद आया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट हु हैड डन वेरी परफेक्ट वर्क अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नो, सो उन्होंने क्या किया था, व्हाट वाज हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बिल्कुल एक पहले गोल्ड फॉइल या मेड ऑफ गोल्ड दैट इज फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, इट्स डायमीटर थिकनेस वाज 0.0004 सेंटीमीटर, समझ गए, इट वाज वेरी थिन। क्यों गोल्ड उन्होंने चुना, बिकॉज गोल्ड इज द वेरी यानी मोस्ट मैलिएबल मेटल, उसको आप जितना पतला कर सकते हो, इट इज हैविंग द मैलिएबल नेचर, हाईएस्ट मैलिएबल नेचर ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने गोल्ड को चुना और गोल्ड को उसको बिल्कुल पतला किया, कितना पतला किया, दैट इज 0.0004 सेंटीमीटर थिक। और आपको मालूम है ये जब इतना पतला हो जाता है तो करीब एक सीधा 1000 एटम्स रह सकते हैं किसका, गोल्ड का, समझ गए आप। यानी अगर ये एक पतला सा है तो इधर से इधर तक 1000 एटम करीब करीब रह सकते हैं, आप समझ गए, इतना पतला उन्होंने क्या लिया, गोल्ड थिन फॉइल लिया। और गोल्ड थिन फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल उन्होंने बम्बार्ड किया, फ्रॉम व्हेयर दिस अल्फा पार्टिकल केम, ही पुट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन ए लीड कैविटी, फ्रॉम लीड कैविटी द अल्फा पार्टिकल व्हिच वाज एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट वाज ऑल्सो मेड पिन पॉइंटेड बाई दिस लीड पिन होल, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लीड पिन होल, इसी पिन होल से ये अल्फा पार्टिकल्स जाकर दे वेयर जस्ट बम्बार्डेड ऑन द सरफेस ऑफ द दैट इज गोल्ड फॉइल, आप समझ गए। इधर लीड फॉइल क्यों ले रखा, लीड कैविटी क्यों ले रखा, लीड फॉइल क्यों लिखा, दैट इज ड्यू टू दैट इज प्रोटेक्ट द रेडिएशन फ्रॉम दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ले रखे थे। और दिस पिन पॉइंट वॉज ऑल्सो वेरी स्मॉल, जब ये रे व्हेन इट वॉज ट्रेवल्ड एंड इट स्ट्राइक ऑन द गोल्ड फॉइल, व्हाट हैपेंड, व्हाट यू ऑब्जर्व, दैट वॉज इंटरेस्टिंग। उन्होंने देखा, यहाँ अगर आप देखिए, मान लीजिए एक इधर गया, दिस गोल्ड अल्फा पार्टिकल इज गोइंग हियर, नो, दिस अल्फा पार्टिकल इट इज गोइंग इट एट द मिडिल सडन स्ट्राइक स्ट्रेट बैक, ये बिल्कुल पीछे आ गया, क्या वैसे ही कितने जाते हैं बिल्कुल बीच में धक्का खा के फिर वापस आते हैं, और कुछ पार्टिकल्स जाते हैं यहाँ से तिरछा हो जाते हैं, सडनली यहाँ से जाके यहाँ से क्या होते हैं, बिल्कुल तिरछा हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। और बहुत से पार्टिकल क्या होते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, बिल्कुल इसके अंदर होते हैं, निकल जाते हैं, आप समझ रहे हैं। अभी ये तो पहला फंडामेंटल है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है उसके अंदर 1000 एटम बिल्कुल सीधा सीधा है ना, बिल्कुल सीधा सीधा, दैट इज क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, आपको पता है। तो सीधा सीधा जब उन्होंने देखा एक एटम के पर बीच सेंटर से कुछ बिल्कुल वापस स्ट्रेट बैक, आफ्टर द कोलिजन देयर इज अ स्ट्रेट बैक स्ट्राइकिंग, देयर इज अ स्ट्रेट बैक, धक्का ना बिल्कुल क्या होते हैं, बैक कर जाते हैं। तो उन्होंने सोचा यार ये जब बैक कर जाते हैं कब बैक करेगा, बिकॉज अल्फा पार्टी अगर मैं नेगेटिव हूँ या मैं पॉजिटिव हूँ, अगर पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव होना चाहिए और मैं नेगेटिव हूँ तो नेगेटिव होना चाहिए, आप समझ गए।
क्योंकि अगर मैं जाता हूँ उसका मार्क्स ज्यादा होगा तो मैं धक्का दूंगा तो मैं वापस आ सकता हूँ, और मैं अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टी के लिए और मैं जाता हूँ धक्का होता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन तो क्या होगा स्ट्रेट बैक बाउंस विल बी हाई। तो यहाँ में वही है, उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल लिए थे दैट इज एच ई टू प्लस, समझ रहे ना, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इन नेचर। तो ये जो पॉजिटिव था तो उन्होंने सोचा इसके सेंटर में कुछ मैसिव स्पेस है विच इज हैविंग ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। आप समझ गए, उनके दिमाग में ये बात पहले बैठा। दूसरा क्या हुआ, उन्होंने देखे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही निकल जाते हैं, वैसे ही पास कर जाते हैं, ये जो अल्फा गोल्ड फॉइल के अंदर बाहर निकल जाते हैं। तो जो कैसे देखे, उन्होंने क्या किया इसके चारों तरफ एक आराम करके फ्लोरोसेंस मेटल दे रखे थे, जेडएनएस जिंक सल्फाइड दे रखे थे, आप यहाँ लिख सकते हैं जिंक सल्फाइड दैट वाज द फ्लोरोसेंस मेटल, ठीक है ना, कोटिंग। तो ये क्या होगा जब इधर इसके पर ये टच करेगा दैट पार्टिकल क्या होगा, इट विल पुट ए मार्क ऑन दैट, इट विल ग्लो नो, इट विल पुट ए मार्क, या मार्क कर देगा। तो उन्होंने ये देखा बहुत से क्या हुआ इसके अंदर से बिल्कुल निकल गया, इधर पॉइंट कर दिए, स्पॉट कर दिए, और क्या हुआ कुछ गए और इधर से बैकअप बैकअप बैक आ गए, फिर इधर भी दे रखे थे उन्होंने, यहाँ देखा यार इधर धक्का होकर फिर इधर आ गए, समझ गए, और कुछ क्या देखे उन्होंने यहाँ धक्का करके इधर चले गए। तो धक्का खा के जब इधर मुड़ जाते तो क्या हुआ, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, और इसका मास भी ज्यादा है, इसका मास भी तभी ज्यादा है, तभी धक्का करके बाहर चले, मैं जाता हूँ अगर तिरछा धक्का हो गया तो मैं साइड चला जाऊंगा ना, समझ गए आप। तो उनका ये कंक्लूजन निकला, ये हमने फिगर बनाया है, दिस इज गोल्ड फॉइल, दिस इज लीड थी पिन होल, दिस इज लीड कैविटी हियर, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना, और ये दिस इज जिंक जेडन सल्फाइड कोटिंग, दैट इज फ्लोरोसेंस मेटेरियल which gives the, which shows the effect of this particles we are striking on that, समझ गए आप। तो आपको ये लिखना है, इसी तरह ये जब यहाँ से जाता है अल्फा पार्टिकल जाता है, सम आर जस्ट स्ट्राइकिंग इट एंड बाउंस बैक स्ट्रेट, पीछा जाते हैं, एंड मेनी ऑफ द और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग स्ट्रेट और ड्राइविंग स्ट्रेट पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स दिस अल्फा पार्टिकल एंड गोइंग जस्ट नेक्स्ट साइड ऑफ द गोल्ड फॉइल, सीधा चले जाते हैं। और क्या होता है, और कुछ पार्टिकल जस्ट स्ट्राइकिंग ऑन दिस गोल्ड फॉइल एंड दे आर दैट इज डायरेक्शन इज जस्ट डाइवर्टिंग, ये डायरेक्शन क्या होता है डाइवर्ट हो जाता है, समझ गए। तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही पुट द मॉडल दैट इज लेटर नोन एज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उन्होंने क्या दिया मॉडल में, वो क्लासीफाई के एटम को इन टू पार्ट्स, नंबर वन न्यूक्लियस एंड नंबर टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस क्या है, इट इज द स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज मासिव स्पेस, मास स्पेस, मासिव स्पेस एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड इट कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन इट, समझ गए, इट इज कंटेंट्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन इट और इट इज द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मासिव स्पेस एट द सेंटर ऑफ द एटम, ये एटम के सेंटर में कौन सा न्यूक्लियस और ये सारे पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर रहता है और इसका रेडियस, द रेडियस ऑफ इट इज अबाउट 10^-12 to 10^-13 सेंटीमीटर, ये उनका पहला था। दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जस्ट आफ्टर द न्यूक्लियस ऑल द अदर पार्ट्स रिमेन इनसाइड द एटम दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उन्होंने कैसे लिखा, इट इज द स्पेस सराउंड द न्यूक्लियस
इट इज द स्पेस सराउंड द न्यूक्लियस सराउंड द न्यूक्लियस इसमें क्या रह रहा होगा कॉन्टेंट्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड कॉन्टेंट्स ऑल द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट अराउंड इट विथ वेरी हाई स्पीड क्या उन्होंने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन द स्पेस जस्ट सराउंड द न्यूक्लियस विच कंटेन्स ऑल द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड समझ गए आप और क्या है उन्होंने लिखा द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अराउंड द यानी जो न्यूक्लियस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके चारों तरफ जितना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल घूम रहे वेरी हाई स्पीड में द नंबर ऑफ बोथ आर इक्वल उसके बाद क्या हुआ द स्टेबिलिटी तो होना चाहिए ना एटम का स्टेबिलिटी कैसा है स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नंबर थ्री स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज ड्यू टू the balance in force of attraction or electrostatic force of attraction electrostatic force of attraction between positively charged particle and a negatively charged particle and the centrifugal force of the electron bachcho abhi hum likhte hain force एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बच्चों साइंटिस्ट नील बोर हैड डन ए वेरी ब्यूटीफुल वर्क ऑन दिस एटॉमिक मॉडल पहले तो उनके पहले कौन किए थे रदरफोर्ड किए थे वो भी बहुत अच्छी तरह किए थे जब भी होता है वो अपग्रेडेशन होता है मैं आपको बताया था तो जो उनमें फॉल्टी था किसमें रदरफोर्ड के मॉडल में फॉल्टी था हाउ टू इरेडिकेट दैट प्रॉब्लम्स हाउ टू इरेडिकेट दैट लिमिटेशंस ना हाउ टू इरेडिकेट दैट लैकुनास फ्रॉम द रदरफोर्ड मॉडल नील बोर ट्राइड ए लॉट बट व्हाट ही ट्राइड जब उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आया दूसरा क्या है स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन हो या एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रा भी निकल गया यानी एटम की स्पेक्ट्रा भी निकल गया किसका लाइन स्पेक्ट्रा से हाइड्रोजन का हो और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लेकर उन्होंने क्या किया
वो जो रदरफोर्ड का एटम जो मॉडल था उसको परिवर्तन कर दिया, विच कैन बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो उनमें जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो लैकुना था उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की और कुछ हद तक उन्होंने कामयाब हुआ। लेकिन उन्होंने सिर्फ बहुत कुछ किए थे हाइड्रोजन एटम के पर, हाइड्रोजन के एटम में वो उनको पता था कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन है, तो उसके पर हाइड्रोजन के एटम के पर उन्होंने बहुत रिसर्च किया था। तो उन्होंने जब एटमी मॉडल एक लिखा लैटरली वो क्या नाम हुआ, बोस एटमी मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो उन्होंने क्या मॉडल लिखा आप देखिए, नंबर वन लिखा एटम कंसिस्ट ऑफ ए मैसिव पॉजिटिव चार्ज्ड न्यूक्लियस। ये भी कौन बताए थे, रदरफोर्ड बताए थे। तो हम लिखेंगे नंबर वन, एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मैसिव न्यूक्लियस, है ना। ये भी कौन बताए थे, ये भी बताए थे रदरफोर्ड। और उन्होंने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने भी बोला था इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट नेल बोर बोले क्या, इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट व्हेयर द इलेक्ट्रॉन्स नेवर रेडिएट एनर्जी। समझ गए। तो क्या उन्होंने लिखा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स व्हेयर दे डोंट रेडिएट एनर्जी। समझ गए आप। उन्होंने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो ऐसा ऑर्बिट में घूम रहे हैं जहां दे आर नॉट लॉसिंग एटल एनर्जी और दे आर नॉट रेडिएटिंग एटल एनर्जी। जो मैक्सवेल ने बताए थे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है एक्सीलरेट मोशन से घूमता है, एक्सीलरेशन से घूमता है, वो क्या होता है, चार्ज लॉस करता है। तो उन्होंने इसी बात से पहले उसको नकार दिया। समझिए, उन्होंने बोला जो पाथ में घूमते हैं, जो ऑर्बिट में घूमते हैं, वो एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। नंबर टू उन्होंने क्या लिखा, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। Each orbit is associated with a definite amount of energy, hence they are called energy levels। उन्होंने क्या कहा, जो ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विथ ए डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जो ऑर्बिट है वो एक निर्दिष्ट एनर्जी के साथ एसोसिएट है। दोज एनर्जी लेवल्स और दोज ऑर्बिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एनर्जी लेवल्स, दोज हेंस दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। दे मे बी असाइंड विथ नंबर 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा और KLMM। समझ गए। उन्होंने बोला वो जो ऑर्बिट से उसको हम 1, 2, 3, 4 कह सकते हैं या KLMN नाम से कह सकते हैं। और जो ऑर्बिट जो एनर्जी उसमें होता है जो एसोसिएट होता है, दैट एनर्जी इज और एनर्जी कैन बी फाइंड आउट विद द फॉर्मूला EN इज इक्वल टू 2π²Z²e⁴m डिवाइड बाई n²h²। और फॉर हाइड्रोजन एटम दिस E इज इक्वल टू
-13 - -131 kJ/mol। ये जो रिलेशन उन्होंने दिया, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, En मींस n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट k है उसका नंबर कितना, 1। L है उसका नंबर कितना, 2। m कितना, 3। n 4। तो अगर हम u1 लिखेंगे, दैट एनर्जी रिप्रेजेंट्स फॉर द एनर्जी ऑफ द k ऑर्बिट, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ द k ऑर्बिट व्हाट इज दैट, 2π² z मींस एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, E is the charge of the electron, m is the mass of the electron, n is the number of orbit, and h is the Planck's constant. H is equal to 6.625 × 10⁻³⁴ joule second. ये constant जो मैंने आपको बात कर रहा था, that is प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये एच क्या है, हम जब आप जब दूसरा वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, हम बाद में जो डिस्कस करेंगे अच्छी तरह, ठीक है ना। तो यहाँ अगर कौन सा देखिए, जेड मालूम है, मान लीजिए हाइड्रोजन लेते हैं, जेड इज इक्वल 1, उसका इलेक्ट्रॉन चार्ज मालूम है हमको, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, और एन का वैल्यू मालूम है, एन इज इक्वल टू हियर 1, और एच का वैल्यू दैट इज ए कांस्टेंट मालूम है। तो अगर इसको पुट करेंगे तो इज इक्वल कितना का, -1312 kJ/mol। ही हैड डिटरमाइंड, ये उन्होंने इसको निकाला था फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। उनका दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। अब तीसरा पॉइंट, दोस ऑर्बिट्स आर स्टेबल व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ऑन इट, देयर एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू ए होल नंबर मल्टीपुल ऑफ एच बाई 2π। व्हाट डिड इट मीन, नंबर थी उन्होंने क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ऑन दोज ऑर्बिट, व्हेयर देयर एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर इज इक्वल टू ए होल नंबर मल्टीपुल ऑफ एच बाई 2π, व्हेयर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। समझ रहे हैं, एंड दिस गिव्स स्टेबिलिटी टू द इलेक्ट्रॉन। क्या इसका मतलब बच्चे, उन्होंने बोला जिस पाथ पर, जिस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कहां घूमते हैं, कौन से ऑर्बिट पर घूमते हैं, जहां उनका एंगुलर मोमेंटम किसके साथ बराबर होगा, होल नंबर मल्टीपुल ऑफ एच बाई 2π। होल नंबर मान लीजिए एन हम लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π। एन इज द होल नंबर इंटीग्रल, ए होल नंबर, और दिस इज मल्टीपुल ऑफ एच बाई 2π। एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एम वी आर इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आर इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्विंग पाथ फ्रॉम द न्यूक्लियस, v is the velocity, m is the mass of electron, na? So mvr is equal to ns by 2π। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जहां घूमेगा, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम ns by 2π के साथ बराबर होगा, तो it will not lose energy, that will give the stability to the electron। जो मैक्सवेल बोल रहे थे, वो अपने आप कुछ देर तक घूमेगा फिर जाएगा न्यूक्लियस में, फॉल हो जाएगा, लेकिन यहाँ और वो होगा ही नहीं, आप समझ गए। तो ये आपको, ये जो तीन पॉइंट है बहुत, आप समझ गए इसको। और अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना। नंबर फोर पॉइंट लिखिए, एनर्जी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और स्मॉल पैकेट्स ओनली। क्या इसका मतलब, एनर्जी
इज एमिटेड और ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन इज इन द इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा QUA क्वांटा और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसको आप अच्छी तरह समझिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर उनका मॉडल हम लिखेंगे ऐसे फिगर बनाएंगे तो दिस इज न्यूक्लियस है ना, इसके चारों तरफ क्या है KSN, दिस इज L सेल, दिस इज N सेल, दिस इज N सेल है ना। तो जो KLMN चार सेल, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसके अंदर है यानी प्रोटॉन्स हैं, और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? अगर इसी रास्ते के पर, इसी पाथ के पर, इसी ऑर्बिट के पर घूम रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उनका क्या होगा, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2π होगा। तो क्या अगर इतना हो गया तो क्या करेंगे, और एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, रेडिएट नहीं करेंगे, तो सीधी सी बात है वो और क्या होंगे, आके इधर नहीं गिरेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अब और क्या होगा, एनर्जी जो ऑब्जर्व होता है और एमिट होता है बाय द इलेक्ट्रॉन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और फॉर्म ऑफ द पॉकेट्स, व्हाट इज दैट मीनिंग, यहीं पे आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन द एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और एमिटेड बाई ए बॉडी डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए क्वांटम एंड इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, और द रिलेशन दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ क्या हुआ, जब यहाँ मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जब एक ग्राउंड स्टेट होगा यानी उसको हम कोई टेम्परेचर या कुछ बाहर का एनर्जी हम नहीं देंगे, इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो और थर्मल एनर्जी हो, वी हैव नॉट सप्लाइड एनीथिंग, तो अपने जगह पे घूम रहे हैं विद द बेसिस ऑफ एमवीआर इज इक्वल टू एनएच बाई 2π, तो एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। मान लीजिए हम एक्सटर्नली वी हीटेड इट अप, उसको गर्म करने लगे हम, तो जब हम गर्म करेंगे क्या होगा, this suppose this KSL electron is getting observing energy, अगर वो energy observe करता है, सब हमने heat दिया, ये KSL का electron heat क्या observe किया, जब it observes energy तो क्या होगा, it will jump from KSL to L cell, आप समझ गए, ये जो जब excite हो जाएगा will apply heat on it, वो क्या होगा इधर jump करेगा, आप समझ गए, जब इधर जंप करेगा क्या होगा, इट ऑब्जर्व्स एनर्जी, आप इसको याद रखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट ऑब्जर्व्स एनर्जी, लोअर ऑर्बिट कौन सा है, के उसके थोड़ा सा हायर, एल उसके थोड़ा हायर, एम उसके थोड़ा सा एन, तो जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाता है इट ऑब्जर्व्स एनर्जी, ये भी बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि जब हम मान लीजिए एक छोटा स्टेप से ऊपर स्टेप चढ़ते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए होता है ना कुछ पहले, तभी तो हम चढ़ सकते हैं ना, तो ये एनर्जी ऑब्जर्व करता है, तभी क्या होता है ये निचले जगह से ऊंची जगह पर छलांग लगाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब वो छलांग लगाता है तो है इट जंप्स फ्रॉम दिस ऑर्बिट के ऑर्बिट टू एल ऑर्बिट बट इट कैन नॉट स्टे देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे ही हम इधर से हीट हटा देंगे या आउटर एनर्जी हटा देंगे तो क्या होगा, इट विल अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट, क्यों, ये क्या करेगा तुरंत ही इधर आ जाएगा ड्यू टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, क्योंकि वो तो एमवीआर इज इक्वल टू एनएच बाय 2π उसको चाहिए ना, तभी तो एनर्जी वो
रेड नहीं कर सकता है, तो क्या कर रहा है, यहां से वो फिर अपने जगह पे आ जाएगा। जब फिर वो एल ऑर्बिट से एक के को आएगा, यानी हायर ऑर्बिट लोअर को आएगा, तो इट इज अपोजिट ऑफ दैट, तो क्या करेगा, एनर्जी लॉस रेडिएट करेगा। जब एनर्जी रेडिएट करेगा, दैट एनर्जी विल बी कम आउट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, और दैट इज नोन एज क्वांटम। अभी आपका क्लियर हो गया बिल्कुल फंडा। जब यहां से ये इधर निकलेगा, इधर जंप करेगा या इधर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, इट विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज नोन एज क्वांटम। इज इट क्लियर? दिस इज द फंडामेंटल थिंग ऑफ रिमेंबर, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला एनर्जी इज एमिटेड ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूअसली। डिसकंटिन्यूअसली क्यों हो गया भाई? क्योंकि ये जब इधर आता है तो एनर्जी लेता है, तो यहाँ तो वो रेडिएट कर ही नहीं सकता है। जब इधर छोड़ेगा, जाएगा, फिर एनर्जी देगा, यानी एनर्जी ऑब्जर्व करता है, एनर्जी फिर रेडिएट करता है, तो क्या ऑटोमेटिक एनर्जी एमिटेड और ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा और पॉकेट्स ऑफ एनर्जी। आप अभी समझ गए? तो अगर मान लीजिए यहाँ का एनर्जी ई टू है, यहाँ का एनर्जी ई वन है, आप समझ गए ना। अगर यहाँ का एनर्जी ई टू है एल सेल का और इसका ई वन, तो कितना एमिट करेगा, ई टू माइनस ई वन विल बी एनर्जी एमिटेड। समझ गए आप, एनर्जी एमिटेड, तो कितना ऑब्जर्व करेगा उसको पलट देंगे, समझ रहे ना। यानी ई वन प्लस एनर्जी ऑब्जर्व्ड, एनर्जी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू ई टू। ई वन कुछ एनर्जी लेगा तभी ई टू पे जाएगा, समझ गए आप। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर फाइव, इन ग्राउंड स्टेट नो एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन, हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइव पॉइंट उनका क्या था, एट ग्राउंड स्टेट नो इलेक्ट्रॉन, अभी हम उसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। यानी जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यू टू मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अब नंबर सिक्स, एट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। एग्जाम्पल फ्रॉम ई वन टू ई टू, ये के इज के टू एल और एल टू एम, लाइक दिस, समझ गए। नंबर सेवन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू हैव टू अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एटमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटमिक मॉडल, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, द पोजिशन मोमेंटम एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। क्या हुआ, यू हैव टू रिमेंबर, आई एम टेलिंग ट्वाइस, ऑल द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, द पोजिशन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। बच्चों, ये जो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कशन किए, दैट वाज एवरीथिंग वाज करेक्ट, दैट वाज राइट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। लेकिन जो लास्ट पॉइंट उन्होंने लिख दिया, ऑल द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कैन बी अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन, द पोजिशन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, यही क्या दिस पॉइंट उसमें खामियां बन गया। जैसे यही नेल बोर का जो मॉडल था उसको भी गलत साबित कर दिया। कैसे गलत साबित कर दिया,
अब समझ रहे ना, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये जब उन्होंने बोला जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये क्लासिकल फिजिक्स सारे लोग को मानते हैं और कहते हैं वी कैन मेजर द पोजिशन वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी एक्यूरेटली, बट दिस वाज प्रूव्ड रॉन्ग। कैसे प्रूव रॉन्ग किया, रॉन्ग हुआ, कैसे रॉन्ग हुआ? इसके बीच हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। व्हाट इज दैट, यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या उन्होंने लिखा? द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड accurately, cannot be measured accurately simultaneously। ये बात क्या है बच्चे, इस वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए कितना छोटा सा बात, वो इसीलिए बोलते हैं कॉमन मैन थिंक्स इन ए कॉमन वे बट अनकॉमन मैन थिंक्स इन ए अनकॉमन, इन एन अनकॉमन और इन ए डिफरेंट वे। वो महान थे, साइंटिस्ट थे, कैसे उन्होंने सोचा? उन्होंने सोचा इलेक्ट्रॉन दैट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इवन इफ बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप इट इज इम्पॉसिबल टू सी, हम उसको देख नहीं सकते, है ना। तो अगर हम इसका पोजीशन मान लीजिए, वी हैव टू कैलकुलेट वेयर इज इट, अब वेयर इट इज नाउ। अगर उसका पोजीशन हम देखना चाहते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू पुट ए लाइट। अगर लाइट के बगैर हम तो कुछ चीज को देख नहीं सकते, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे उसके ऊपर, वी हैव टू पुट द लाइट। लेकिन लाइट क्या है, लाइट इज हैविंग ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर वन वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम उसके ऊपर लाइट डालेंगे टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देखने के लिए उसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट डाले बच्चों, इट विल शिफ्ट ऑटोमेटिकली इट्स पोजिशन। आप देख सोचिए जरा, अगर हम उसके ऊपर लाइट डालते हैं क्या होगा, वो तो यार अपने आप अपनी जगह बदल लेगा, तो हाउ कैन मेजर दिस इट्स पोजीशन, समझ रहे ना। उन्होंने बोला जब ये तो इलेक्ट्रॉन इतना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, हम उसका लाइट डालते उसको देखने के लिए, टू नो द नो इट्स पोजीशन, पोजीशन देखने के लिए हम सोच रहे हैं, पोजीशन देखने के लिए वी हैव टू पुट द लाइट। जैसे हम उसका लाइट डालेंगे क्या होगा, वो तो अपने आप दूसरी जगह चला जाएगा ना, तो हाउ कैन मेजर। बाकी सच बात है, आप सोचिए जरा, वो तो इतना हल्का है, लाइट डालते ही लाइट तो उसको दूसरी जगह भगा देगा, तो हाउ कैन मेजर। तो वो गड़बड़ हो गया जो उन्होंने बोला था। All the laws of classical physics can be applied electron very accurately, and the position, velocity as well momentum we can measure very accurately. That went wrong. समझिए? तो फिर उसके बाद आया modern atomic model. समझ गए आप? फिर Schrödinger's wave equation आया, हम इसको discuss करते हैं इसके बाद, लेकिन आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। Exam में आता है हर दो साल में या तीन साल में आता है, राइट डाउन नेल बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स एंड ड्रॉ द फिगर, एक्सप्लेन एवरीथिंग, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है ना। अभी हम डिस्कस करते हैं उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। बच्चों जब नेल बोर एटॉमिक मॉडल में जो लैकुना था वो तो आपको पता चल गया, उसे दूसरे साइंटिस्ट, उस वक्त के दूसरे साइंटिस्ट को पता चल गया। तो उनमें ऐसे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम एरविन स्क्रोडिंगर। उन्होंने वो जो लैकुना को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा, क्या सोचा? पहले उन्होंने सोचा द एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज पार्टिकल एज वेल एज द वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे लाइट का है उसको उन्होंने काउंट किया। दूसरा क्या, जो हम हेजेनबर्ग साहब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, द पोजिशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली, वो दो चीज को उन्होंने लेकर
वो एक मॉडल फिर लिखा, वो एक मॉडल तैयार किया जिसको बाद में वे मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के नाम से जाना गया, ठीक है ना। उन्होंने क्या सोचा या उन्होंने क्या कंफर्म किया, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन ए स्पेसिफाइड ऑर्बिट बट दे आर रिवॉल्विंग इन ए थ्री डायमेंशनल स्पेस दैट इज टर्म्ड एज ऑर्बिटल। उन्होंने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं चारों तरफ एक ऑर्बिट में, टू डायमेंशनल वे में घूम नहीं रहे हैं, वो किसमें घूम रहे हैं, एक थ्री डायमेंशनल वे में घूम रहे हैं, और उनका जो मोशन है दैट इज वेव, थ्री डी वेव मोशन। आप समझ गए और अच्छी तरह समझ गए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारा ये दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है ना, इधर सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह गए, इसके चारों तरफ जो पहला मान लीजिए के हम बोल रहे हैं ऑर्बिट है ना, ये जो ऑर्बिट होते हैं उनको बोले वो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मीन्स अभी अगर हम उसको ऑर्बिट बोलेंगे तो एक रास्ता होगा, यानी 2D इसका लेंथ होगा और विड्थ होगा, आप समझ गए, 2D मीन्स इसका लेंथ है और विड्थ है। अगर 3D बोलेंगे क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, फिर विड्थ होगा ना। तो आप समझिए एक पानी का पाइप आप समझ लीजिए, पानी का पाइप मीन्स क्या है, उसमें पानी अगर जा रहा है तो दैट इज मोशन इन द 3D वे, लंबा से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, फिर आगे से भी जा रहा है ना। तो आप अभी एटम को समझिए, एक बॉल, वॉलीबॉल समझिए, समझ सकते हैं, क्रिकेट बॉल समझ सकते हैं। तो अगर हम वॉलीबॉल समझ रहे हैं उसका सेंटर का पार्ट अगर हम लेंगे दैट इज ऑल्सो मिनिएचर वॉलीबॉल, वी कैन कॉल इट एज द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। और जो चारों तरफ ब्लैंक स्पेस बचा उसी चारों तरफ क्या हो रहा है, ये 3D वे में यानी 3D स्पेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, दैट इज इन द जिगजैग वे में मोशन। यानी जैसे अगर पानी इसके अंदर जा रहा है तो पानी के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं इधर धक्का खा के उधर धक्का के चलते हैं ना, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसके अंदर ये 3D मोशन में हर ऑर्बिटल में घूमते हैं। यानी उन्होंने तो पहले बता दिया कि हम तो नहीं निकल सकते एक्यूरेटली क्या है मोमेंटम और पोजिशन, तो उन्होंने बोला द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस 3D स्पेस जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन मिलने का संभावना बहुत ज्यादा है दैट इज 3D स्पेस, उसको हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल। तो बच्चों वो सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, उन्होंने एक इक्वेशन दिया दैट इज फेमसली नोन एज स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, आप इसको याद रखिए, डेल स्क्वायर साय डिवाइड बाई डी ए डेल एक्सेस करिए, साय इसको बोलते हैं PSI, डेल स्क्वायर साय मैं लिख देता हूँ, आप इसको आप अगर नए होंगे तो इसको जानेंगे नहीं, इसको बोलते हैं PSI, ठीक है ना, साय बोलते हैं या कोई की झाई बोलते हैं, डेल स्क्वायर साय बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साय बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साय बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड एच स्क्वायर होल इंटू ई माइनस बी होल इंटू साय इज इक्वल टू जीरो। क्या नाम इसका, वेव मैकेनिकल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये कि वेव का इक्वेशन है ना। ये जो इक्वेशन में इसमें क्या क्या है, एम जो दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा एच प्लैंक्स कांस्टेंट हमने आपको पहले बता चुके हैं, ई टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका टोटल एनर्जी कितना है, वी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज जेड स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला, जेड इज द एटॉमिक नंबर और इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एक्स वाई जेड आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इन 3D है ना, 3D में घूमता है तो एक्स वाई जेड आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग डिरेक्शन एंड डिस्टेंस, कौन सा डिरेक्शन में जा रहा है और कितना डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एक्सिस, व्हिच रिप्रेजेंट द साइज ए वेव फंक्शन, व्हिच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, एम्पलीट्यूड मीन्स आपको पता है एम्पलीट्यूड क्या है, मान लीजिए हम एक वेव मोशन कर रहे हैं ना, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, यहाँ से कितना ये जो इसका एक्सिस से कितना दूर जाता है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, है ना, इसको हम टफ बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, तो ये दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो ये साइज वेव फंक्शन व्हिच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस तक अप डाउन होता है यानी वेव मोशन में जाता है दैट इज साइज, आप समझ गए बच्चों। इसी वेव इक्वेशन से
क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हैं। क्वांटम नंबर्स आर द इंडेक्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है हम तो इसे नहीं निकाल सकते, लेकिन ये इक्वेशन डाल के हम चार तरह के क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं जो कि एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, फ्रॉम दैट फोर क्वांटम नंबर्स वी कैन फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ दिस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है ना, अब हम इसको जो मॉडल है उसका जो उन्होंने दिया था मॉडल में जो लिखा था हम उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो वे मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसका जो फीचर्स, ये मॉडल का फीचर्स क्या क्या था थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, इन एटम्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। कोई भी एटम हो उसमें इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी है दैट इज क्वांटाइज्ड। नंबर टू, क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट इन एटम। जो एनर्जी लेवल्स इज ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटम कहते थे वो ऑर्बिटल्स का एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड, यानी उसका कुछ क्वांटिटी है। नंबर थ्री, एटम के ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के ऑर्बिटल कुछ नहीं है दैट इज वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना वेव से घूम रहा है, अभी हम दिखा रहे थे ये जो मोशन कर रहा है ये कितना दैट इज द वेव फंक्शन है ना एटम के ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल कितना बड़ा होगा कितना क्या होगा दैट इज डिपेंड अपॉन दिस वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नंबर फोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट इन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर। जो ऑर्बिटल की बात हम कर रहे थे कहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम पा सकते हैं या द पोजिशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर। साई इज नथिंग बट द वेव फंक्शन यानी एम्पलीट्यूड, समझ रहे थे ना। तो साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आप इसको याद रखिए, साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू फाइंड आउट देयर, कहाँ पर इधर कितना संभावना है इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए। तो यहाँ से ये किसके ऊपर डिपेंड करता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट इन एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। साई स्क्वायर जितना ज्यादा होगा वी कैन फाइंड आउट दैट। उसके बाद द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, एक्यूरेटली नहीं कर सकते ना, बिकॉज इट इज हैविंग द 3D मोशन and it is revolving in a 3D space, so it is impossible. समझ गए? तो बच्चों ये था हमारा जो मॉडल, एटम मॉडल का हिस्ट्री और इसका साइंस मैकेनिज्म थ्योरी एवरीथिंग। कहाँ से शुरू हुआ, जैसे थॉमसन से शुरू हुआ, खत्म हुआ कहाँ पे, वे मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है ना, उसके बाद ये इक्वेशन कैसे एटम के दैट इज क्वांटम नंबर देता है तो एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगा आप समझ गए एक्चुअली ऑल द मॉडल्स एटम मॉडल्स इन दिस क्लास, आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस क्लास को अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं हूँ आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टीचर ईश्वर चंद्र नायक। थैंक यू।
Thank you.